देखते हैं कि हम अमेज़ॉन पे प्रॉफिट कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। अब हर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, राइट? अब आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा बना रहे हो। तो अमेज़ॉन पे इसके लिए फ्री टूल है, ecomfreedom.com। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप अकाउंट इसमें बनाए, बिल्कुल फ्री है, लाइक कोई चार्ज नहीं। ऑलराइट? तो या अगर आप ये टूल यूज़ नहीं करते, आप जैसे ही प्रोडक्ट को लिस्ट करो, जैसे मैंने आपको दिखाया था, राइट साइड पे आपको FBA जो है, आपको वहाँ पे लिस्टिंग टाइम पे आपको पता चल जाता है कि नेट प्रोसीड आपका कितना है। लेट्स से कि हमने एक प्रोडक्ट सेल करना है एग्जिस्टिंग, ऑलराइट? लेकिन आसान तरीका यह है कि जब आप अपनी लिस्टिंग करो, लेकिन अगर आप लिस्टिंग नहीं करना चाहते, ऐसे ही पहले अपने प्रोडक्ट का, लेकिन ये भी आसान तरीका है, अगर अपने प्रोडक्ट का जो है, अगर आप प्राइस जानना चाहते हो कि आपको कितना फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप अपने कंपटीटर्स के एसएन भी डाल सकते हो, तो आपको कंपटीटर्स का प्राइस भी नज़र आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, लेट्स से कि हम कोई भी नाम डाल देते हैं, ऑलराइट? कहाँ पर सेल करना है आपने, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, कहाँ पर भी, ऑलराइट? एसन, तो एसन मैंने यही रैंडम डाला, ठीक है? लेट्स से कि हम ये लिपस्टिक सेल करते हैं, ठीक है? अब लेट्स से कि हम सेलिंग प्राइस क्या है, 20, हम 20 डाल देते हैं, ठीक है? अब यूनिट कॉस्ट कितना है, मतलब एक यूनिट पे आपका कितना खर्च आता है, लेट्स से कि हमारा 80 सेंट खर्च है, ठीक है? शिपिंग कॉस्ट लेट्स से हमारा 20 सेंट खर्च है, ठीक है? इतना नहीं आता, ये छोटे आइटम है, चाइना से बड़े सस्ते मिल जाते हैं। कंटिन्यू। अब यहाँ पे FBA फी, तो FBA फी आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप लिस्टिंग करते हो वहाँ से भी मिल सकता है, या आप यहाँ पर भी आ सकते हो, अमेजॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। लेट्स से कि आपका जो है गुड का कॉस्ट है 0.80, ठीक है? और आप लिस्ट कितने का कर रहे हो, नहीं एक मिनट मैं पूरा ही डाल देता हूँ। लेट्स से कि $1 है, राइट? $1 शिपिंग डाल में, लेट्स से कि हम $20 का सेल कर रहे हैं, ठीक है? सो अब FBA फी कितना है यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पता मालूम हो सकता है, FBA फी है $2.70। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 2.70, रेफरल $3, खैर रेफरल तो $1 है, ये ऐसे ही $3। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स डू आई पुट हियर, सो आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो, लेट्स से मैं कहता हूँ 550। कंटिन्यू। तो ये हुआ कि हमें $13 एक ही प्रोडक्ट में हमारा फायदा है, ऑलराइट? हमें $13 मिलेंगे। सो शो रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको पूरा रिजल्ट, फर्स्ट ऑर्डर में इतना प्रॉफिट, सेकंड ऑर्डर में इतना प्रॉफिट, ये आपको रेवेन्यू के हिसाब से आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप, लेकिन मेक श्योर हर एक सेलर मेक श्योर ऐसा प्राइसिंग करो कि आपको 25 to 30% आपको मुनाफा हो। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट मोर देन दैट। अब अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा, देन आसान तरीका है, आप sell.amazon.com पे जाए, यहाँ पे आप प्राइसिंग में एस्टिमेट योर रेवेन्यू सेल्स मार्जिन, ये आपको ओनली मार्जिन का, बट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट योर प्रॉफिट, ये इससे आपको आपका मुनाफा ecomfreedom.com पे, आपको आपका मुनाफा यहाँ पे सही डिटेल एवरीथिंग आपको मिलेगा, ऑलराइट? जस्ट आपने FBA फी, सो आप ये अगर आप फाइंड आउट करते हो कि अमेज़ॉन मुझे एक ही प्रोडक्ट में कितना नेट प्रोसीड करेगा, ये अगर आप मैनेज FBA इन्वेंटोरी पे जाओ और एक ही प्रोडक्ट के राइट साइड पे जो FBA कैलकुलेटर है, वहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको
भी पता चल सकता है, बट ये एक टूल है अगर आपने यूज़ करना है इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट योर अमेजन एफ बी ए प्रॉफिट कैलकुलेटर, दैट्स अ गुड वे टू. ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ. थैंक यू. Thank you for watching my video.